What's up beautiful people, good morning, welcome to our new vlog. सुबह सुबह 7:30 बजे तैयार हो गए हम लोग, नहा धो के मैं तो ब्रेकफास्ट भी करके आ गया हूँ। तो शिल्पा मेरे से पूछ रही थी ब्रेकफास्ट कहाँ पर है, तो मैंने कहा सबको बताऊंगा कैसे कैसे ढूंढना है। आप बाहर निकलो, राइट लो, नहीं 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 कमरे से बाहर निकलो, दरवाजा खोलो, राइट लो, जस्ट फॉलो द खुशबू। अच्छा, फॉलो द खुशबू ऑफ ब्रेकफास्ट। अब अपने आप पहुंच जाओगे कि ब्रेकफास्ट कहाँ पर है। घूमने एक तो क्यूट चकल लेके पैदा हो जाते ना ये लोग, दादा को भी ले चलो क्या बोली जाने, ठीक है कार में, वी आर रेडी टू गो। गाइस कार की हालत देख लो आप, ये होता है अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं तो इसलिए हैमक बहुत जरूरी है। चले लेट्स गो। शिल्पा वो रख ली अपनी जैकेट वैकेट रख ली। All right guys, हम पहुंच गए रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क पर। अब एंट्रेंस देखो कहां से कहां जा रहे हैं, लाइन देख रहे हो आप। हाँ बड़ी बात, टाइम लगेगा थोड़ा सा। कहीं अगर आपको एंट्री करनी होती है ना तो यहाँ पे रिजर्वेशन चाहिए होती है, जैसे बोलते हैं टाइम्ड एंट्री रिक्वायर्ड। तो हम रिजर्वेशन करा के आए हैं अपनी, ऑल दो हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेट्स सी एंट्री मिलती नहीं मिलती। और वैसे भी इतनी लंबी लाइन है ना इधर, कोई देयर इज नो वे आप उस टाइम विंडो के अंदर अंदर पहुँच जाओगे। हमें लाइक 15 मिनट इस लाइन में हो गए ऑलरेडी, और भी 15-20 मिनट और लगेंगे कम से कम फॉर श्योर। गाइस ऑलमोस्ट हमर आ गया, बहुत देर कितने 15 मिनट लग गए, 15 मिनट 40 मिनट हो गए लाइन में, 40 हो गए कब से खड़े। आपके साथ देखो टाइम का पता नहीं चलता। बेटा हाँ फाइनली नंबर आ रहा है तो देखो, पहले तो एंट्री मिलती ही नहीं मिलती क्योंकि हम दो चीजें चाहिए उसके लिए, लेट है। एक चाहिए एनुअल पास और एक चाहिए एंट्री टिकट, सॉरी एंट्री रिजर्वेशन। I'm good, how are you? Guys, हम पहले स्पॉट पे आ गए, टैडी और बडी हो तो केले लेके जा रहे बडी दादा। वाओ कितना ही सुंदर है, वाओ ओले बेबीज तो कितना सुंदर है यहाँ पे। अरे देखो बड़ी डर रहा है साइड में चलने से, राइट पे तो साइड साइड में चल रहा है क्योंकि नीचे खाई है ना बहुत। बहुत ही सुंदर है और परफेक्ट वेदर, अभी ठंड भी नहीं है गर्मी भी नहीं है, वेरी नाइस। लुक एट द व्यू बिहाइंड मी गाइस, क्या मस्त व्यू है ना पीछे का। और यहाँ पे पोस्ट फोटो शूट चल रहा है ऑब्वियसली, राइट, इतनी प्यारी प्यारी जगह पे आएंगे तो फोटो शूट तो चलेगा। बढ़िया, सो हम एक सीनिक टूर का, सीनिक ड्राइव का टूर कर रहे हैं, 3 घंटे का राउंड ट्रिप है तो अच्छा कर रहे हैं। तो हमारी ऑब्जर्वेशन गाइस, ये जो रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क है ये अगर आप फैमिली के साथ विदाउट डॉग्स आएँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है घूमने के लिए, आप हाइकिंग कर सकते हो, बट अगर आप विद डॉग्स आ रहे हो तो यू कैन रियली गो टू प्लेसेस, यू नो, पार्किंग में या पार्किंग में खड़े हैं, डॉग फ्रेंडली जगह थोड़ी कम है और लोगों से दूर रखना होता है, हाइकिंग नहीं कर सकते इनके साथ, बट इन ऑल यू नो व्यूज़ हैं, व्यूज़ का मजा लो, तो ये कर रहे हैं हम लोग।
नॉट बैड राइट, फैमिली ट्रिप है तो क्या बुराई है राइट, जरूरत है ना हाइक करना ही करना, नहीं कर रहे हम हाइक भी तो घूमेंगे ना। मीनवाइल हम हाँ देखो ऑब्वियसली बड़ी कितनी कितनी सारी देखो कितने सारे नेशनल पार्क गया है बड़ी, योसेमिटी गया है, येलोस्टोन गया है, अब रॉकी माउंटेन भी आ गया बड़ी। भाइयों का प्यार बढ़ रहा है उसके मुंह से निकालने का पानी नहीं है, चाट रहा है। ऑलराइट हम आ गए सेकंड स्टॉप रेनबो कर्व है इसका नाम, कुछ इन्फॉर्मेशन है बट आप व्यू देखो गाइस, आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल व्यूज है, यू नो नेशनल पार्क में आने का ही फायदा होता है राइट। चलो चलो तेरी फोटो खींचता हूँ। अच्छा अभी बड़ी और डैडी दोनों कार में हैं, हमने सोचा उनको निकालने से पहले मैं अभी अपनी अपनी फोटो वोटो खींच ले, क्योंकि एक बार उनको निकाल लिया ना फिर नहीं खींच पाती फोटो, इतना बढ़िया व्यू था ना गाइस। डैडी और बड़ी की फोटोज ले रहे थे अभी, बहुत अच्छी आई हैं यहाँ पे खड़े होके लोग खुश हो रहे हैं इनको देख देख के, लोग कह रहे हैं कि हम हाँ लोग कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं देख रहे इन दोनों को देख रहे पैसे देके डैडी एंड बडी को मिलने आए हैं। हम ये चिप्स खाने लगे थे, ये देखना कैसे फूल गया, टाइम बॉम्ब की तरह से फट जाएगा अभी। वाओ कैसे फूला पड़ा है, प्रेशर। वाओ हम भी फूल गए क्या रजत? हाँ प्रेशर बढ़ गया हमारा, माउंटेन पे हो जाती हूँ मोटी हर बारी। ऑलराइट गाइस नेक्स्ट स्टॉप इज फॉरेस्ट कैनियन, आई थिंक ऐसे चल के वहां तक जाएंगे। वापस आ गए हम तो, डॉग्स अलाउड नहीं थे भाई वहां पे, क्यों क्या बोल रहे थे, कुछ अलाउड क्यों नहीं है लिखा हुआ ना नहीं, कुछ था क्यों अलाउड नहीं है मतलब ऐसा मतलब सेफ नहीं होगा ना इतना, क्योंकि लोग भी तो है ना। हाँ हर बंदा राइट नहीं, लोग भी हैं प्लस बहुत एरियाज ऐसे हैं ना क्योंकि माउंटेन पे हैं, सेफ नहीं है लेके जाने डॉग्स को, तो इट्स ओके। देखो गाइस नो डॉग्स अलाउड ऑन दिस, इसलिए शिल्पौर में जा रहे हैं उनके लिए हमने पानी वानी पिला के सुसु करा के शीशे नीचे करके आ गए, आई थिंक पाँच मिनट की वापस आते हैं इंदौर के, बहुत प्यारे व्यूज़ हैं। तो अल्टीमेटली जगह तो बहुत अच्छी लगी मुझे रॉकी माउंटेन, बट शिल्पा आई वुड से कि येलो स्टोन अब तक का बेस्ट नेशनल पार्क था। हम बहुत सारे नेशनल पार्क से गए गाइस, येलो स्टोन, योसेमिटी और अलास्का में भी सिक्योरिया, बहुत सारे येलो स्टोन द बेस्ट। येलो स्टोन में कलरफुल कलरफुल बहुत कुछ है, गीजर्स हैं, पानी के स्प्रिंग वो निकलते हैं गर्म गर्म, और भी चीज़ें हैं ना। हाँ वो भी बहुत बढ़िया था। ऑलराइट दैट्स अ पॉइंट, ऑब्वियसली बहुत लोग आए हुए हैं, थोड़ा बहुत फोटो तो खींच ही लेंगे हम लोग, पहले जा सकते हैं। यहाँ देखो यहाँ जाना अलाउड नहीं है, कभी आप गाइस सोच रहे हो ना हमने ऊपर जाके टाइटैनिक पोज क्यों नहीं मारा, क्योंकि यहाँ जाना अलाउड नहीं है, शायद वो हमारा आखिरी पोज होता फिर नहीं। व्यू दिखा दो आपको गाइस, देखो कितना दूर दूर हमें व्हीकल्स दिख रहे हैं, हमें शुरू देखो अनसिक्योर्ड एरिया है ना इसलिए डॉग अलाउड नहीं है, क्योंकि भाग गया इनफैक्ट हम ही घसीट के ले गए। तो शिल्पा उसमें जाके नहा लो, तुम नहाई नहीं ना आज, कल नहाई थी ना, वो छोटी सी झील है ना वहाँ पे, नमक है शिल्पा, आइस 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 है एक्चुअली, आइस है ना, तो ठंड हो रही है गाइस वैसे। हाँ शायद सही बोल रहे हैं शिल्पा, देखो आइस है थोड़ी थोड़ी जमी हुई, फ्रोजन आइस, आइस फ्रोजन ही तो होती है। आर्चिस नेशनल पार्क यूटा, यहाँ नहीं गए हम लोग शिल्पा, है ना ये बच गया हमारा क्रूज अमेरिका, बढ़िया है गाइस, कभी मौका मिले तो आना रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क। अच्छा आपके कपड़े खेल रहे नहीं, हम कार में से देख रहे हैं, 54 दिखा रहा है कार, वो वाइट वाइट क्या है, डैंड्रफ, माउंटेन को डैंड्रफ हो गई। ठंड हो रही है, वाओ जैकेट पहनो ना, लेके आए हो, अंदर ही आया था ट्रंक के लिए लेके आए हैं जैकेट, लेकिन गाइस देखो कितना सुंदर व्यू है, अगर ये मेरे हाथ से फोन गिर जाए तो पूछती हूँ रजत से, क्योंकि रजत का है ना, रजत मेरे हाथ से ऑलमोस्ट फोन गिरने वाला था। हाँ फिर क्या करते, कैमरा बंद करो फिर बताता हूँ।
देखा गाइस, आई एम वेरी सच्चा इंसान यू नो, बट आपको नहीं बता सकता ना क्या करता है। चलो बाहर उतारता है, चल ले गया। अच्छा गाइस, हमारा हो गया है लंच का टाइम। तो हमने देखो गाड़ी रोकी, उसका वो खोला जो भी है बैठने का। यहाँ पे हम कर रहे हैं व्यूज एंजॉय करते हुए लंच, क्योंकि है ना बहुत प्यारे व्यू है। और हमने ना सोचा टेबल वेबल बेंच वेंच मिल जाए, थोड़ा सा मिला ही नहीं कहीं पे। फिर हम यहाँ पे गाड़ी रोके एक साइड में, ये जो स्पॉट है लोग पीछे वहाँ भी चढ़ रहे हैं माउंटेन के ऊपर, तो हम यहाँ पे लंच कर रहे हैं, व्यू का मज़ा लेते हुए। बढ़िया वैसे तो व्यू अच्छा लग रहा है, ठंड अब नहीं है, ठंड थी ऊपर, अब हमने वापस जाना शुरू कर दिया है। डैडी अंदर बैठो। ओके अदी, बहुत बढ़िया व्यूज है, मज़ा आ रहा है वैसे। हम लोग ऊपर चढ़ के आ गए गाइस, थक गए, हाइक करी। वो जो माउंटेन थी ना पीछे, टाइट देख रहे हैं ऊपर तो देखिए। गाइस देखो हमें क्या मिला, हमें मिला डियर। और भी बैठे रहे, ऊपर डियर बोलते हैं, एल्क बोलते हैं इसको। कितने सारे बैठे हैं? और भी है, वो देखो वो पीछे बैठे हैं, 3, 4, 5, 6, 7। शाम का टाइम हो गया ना इनका आराम करने का। अरे वाओ, टैडी देख लिया तूने? बड़े बड़े तो देख रहा है, देख लो गाइस, बड़ी बड़ी डियर देख लिया तूने? देख ले। ओके शिपा बाहर चली गई फोटो खींचने के लिए, उस साइड भी है गाइस। एटलीस्ट नेशनल पार्क्स में ये होता है कि थोड़े बहुत एनिमल्स मिल जाते हैं। नाइस गाइस, यहाँ पर एक बियर लेक है, बहुत फेमस लेक है। तो शिल्पा को बड़ी के साथ, टेडी के साथ छोड़ के कार में मैं आ गया हूँ हाइक करने। 30 मिनट्स की राउंड ट्रिप है, डॉग्स अलाउड नहीं है, इसलिए मैं खुद अकेला जा रहा हूँ और शिल्पा बैठी उनके साथ। जल्दी आ जाऊँगा पक्का। तो अबाउट इसके पीछे है कहीं बियर लेक, लेट्स सी। 15 मिनट आना, 15 मिनट जाना, शुड बी इजी पीजी। पानी की बॉटल ले ली मैंने, एज यूजुअल नो डॉग्स अलाउड। चलो वॉक करके देखते हैं, हाइक पे चलते हैं गाइस। लेक है यहाँ। ओके बियर लेक ऑन योर राइट, दिस साइड। All right, Bear Lake. Very nice. So Bear Lake तो पीछे ही थी, बहुत पास थी। But I think पूरा एक one way है ना, आपको पूरा एक round लगाना पड़ेगा। तो that's gonna take me like 30 minutes. So I'm gonna do that now. It's all Bear Lake. Bear Lake का चक्कर लगा रहे हम लोग। स्टिल इट्स स्टिल द बियर लेक, बियर लेक के राउंड लगा जा रहा हूँ मैं। तो पूरे चक्कर मार के वहाँ से एग्जिट हो जाएगी, मतलब एक बहुत अच्छी सी बड़ी सी लेक है। ओके मैं तो 13 मिनट्स में करती पूरी वॉक। आई गेस मैं तेज चलता हूँ थोड़ा सा। मैं तो आ भी गया। इतनी जल्दी आ गया? नहीं मैं आई गेस मैं तेज चलता हूँ लोगों से। टैडी मैं तो आ भी गया, पानी भी नहीं पिया मैंने तो, जरूरत नहीं पड़ी। पानी की भी पड़ी? बहुत ही ईजी वॉक थी, तुम्हें जाना जा सकती हो अब जाओ तो। मैं तो औरों से भी सोच लूं। तुम्हें 40 मिनट लगेंगे। दोनों थक गए ना बेचारे, कितने थके लग रहे। टैडी को देखना शक्ल बेचारे की,
ऐसा लग रहा है क्या कर दिया यार। और बड़ी देखो पिछले 3 दिन से हमें रोड ट्रिप पे लेके घुमा रहा है ना बड़ी, तो वैसे थक गया। हाँ बड़ी हमें घुमा रहा है, डैडी हमें पहली बार घुमा के जा रहा है। डैडी तो शेर जैसा क्यों लग रहा है, बब्बर शेर। गाइस एक पंगा पड़ गया, तो हमने ना लाइक हम घर से थोड़ी सी ड्रिंक्स लेके आए थे ना, तो आज हम रूम पे जल्दी आ गए, 5 बजे आ गए, तो हमने सोचा वाइन पीते हैं, पर देखो वाइन में निकला कॉर्क और हम वाइन ओपनर भूल गए। तो आई गेस बियर से काम चलाएंगे। कल का प्लान कर रहे थे हम लोग कि कल कहाँ कहाँ जाएंगे, वेकेशन ख़त्म होने वाली है बहुत जल्दी, तो कल का प्लान किया हमने। कल भी एक सीनिक ड्राइव है, पाइक्स पीक करके एक माउंटेन है उस पर जाने का प्लान है, और बस अभी हम अपना डिनर विनर करेंगे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस। बनते हैं आज का प्लान।